नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर सवर्ड बाय ब्रॉड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यू स्टोरी, ग्रोइंग अप पेन्स बाय आरके मूर्ति, जो कि आपको 10th क्लास के सिलेबस में मिल जाएगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी 10th क्लास के दो चैप्टर, पहला द थीप्स स्टोरी और दूसरा बोली, दोनों को मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ से आप इनकी वीडियो देख सकते हैं और 10th क्लास की और भी बाकी भी चैप्टर आपको वहीं से मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं सबसे पहले तो डिस्कस करूँगा हमारा जो स्टोरी है ग्रोइंग अप पेन्स, इसका मेन थीम क्या है और इसकी ओवरऑल समरी। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी स्टडीज से रिलेटेड मैं लेकर आता रहूँगा। सो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में जो इस पार्ट का मेन थीम है, या फिर हिंदी के अंदर कह लो जो पार्ट का सार है, मतलब कि कहानी किस पर बेस है, वो मैंने लिख दिया है। पहले मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ, बस साथ के साथ मैं इसकी हिंदी पढ़ता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ए टीनेजर नेम्ड समीर। वर्तमान कहानी समीर नाम के एक किशोर की समस्या पर प्रकाश डालती है। यानी कि ये जो स्टोरी है वो मेन स्टोरी किसकी है, समीर की है, जो टीनेजर है। टीनेजर यानी कि जिसकी उम्र 13 से लेकर 19 के बीच होती है, उसकी जो टीनेजर की जो समस्या है उसके बारे में हमें बताती है। द स्टोरी प्रेजेंट ए ब्यूटिफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर सन। यह कहानी माता पिता और उनके बच्चे के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, सुंदर कॉन्फ्लिक्ट को व्यक्त करती है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक प्रकार का संघर्ष, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पेरेंट्स की कुछ अलग थिंकिंग रहेगी और बच्चे की कुछ अलग थिंकिंग है, तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, संघर्ष सा बन जाता है उन अलग अलग थिंकिंग के कारण। ऑब्वियसली पेरेंट्स हैव देयर ऑन फियर, दे डिज़ायर डैट देयर देयर शुड बी केम ए आइडल सन। स्पष्ट रूप से माता पिता के कुछ अपने डर हैं, वे उम्मीद करते हैं कि उनका पुत्र एक आदर्श पुत्र बने। ये हर किसी के साथ होता है कि माता पिता चाहते हैं कि उसका जो बेटा या फिर बेटी है वो एक आदर्श, एक अच्छा व्यक्ति बने, कोई गलत काम ना करे। तो उनका एक डर है कि कहीं ना कहीं वो कोई गलत काम ना कर दे। विद सच व्यू दे ट्रीट समीर लाइक ए चाइल्ड थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी कहानी में समीर को ऐसे ही बच्चे के रूप में मानते हैं। कैसा बच्चा? एक अच्छा व्यक्ति, कि वो अच्छा बने, अच्छा बने, जितना हो सके वो अच्छे काम करें, बुरे कामों से दूर रहे। मेरे ख्याल से ये स्टोरी सिर्फ समीर की नहीं है, अगर आपकी एज भी 13 से लेकर 19 के बीच है, आप टीन एजर हो, तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी अपनी थिंकिंग है, पेरेंट्स आपको बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, आपको वो चीज़ सही लगती है जो आपके अकॉर्डिंग सही है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग गलत है। बट समीर हैज़ हिज ऑन वे ऑफ थिंकिंग, ही वॉन्ट्स फ्रीडम एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, ही वॉन्ट टू टेक सेल्फ डिसीजन विच इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस एज। किंतु समीर के सोचने का तरीका अपना एक अलग तरीका है, जितना ही जल्दी संभव हो सके वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है कि उस पर कोई रोक टोक ना हो, वो अपने डिसीजन ले, वो कहीं पर मर्जी चाहे घूम फिर सके, रात को कभी घर आए कभी बाहर जाए, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग वह अपने डिसीजन सवै लेना चाहता है, जो कि इस उम्र में संभव नहीं है। वो चाहता है कि मेरे जितने भी फैसले हैं ज़िंदगी के मैं वो खुद लूँ। तो दोस्तों, ये तो था थीम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर सन। आई होप कि थीम आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन बनता रहता है कि ओवरऑल कहानी का मैसेज क्या है, या फिर कहानी का थीम क्या है, कहानी किस पर बेस है, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर लिखना होता है। अब आते हैं कहानी की जो ओवरऑल समरी है उस पर। ग्रोइंग अप पेन्स शॉर्ट समरी। समीर्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो समीर की प्रॉब्लम्स क्या हैं वो बताई गई हैं। समीर इज एनेक्सिस ऑफ एक्, इट इज डिस्ट्रॉइंग हिज फेस, बट ही नोज डैट द एक्ट इज मार्क ऑफ चिल्ड्रन बिकमिंग एन अडल्ट।
समीर की समस्या, समीर मुहांसों से परेशान है, इसके कारण उसका चेहरा खराब हो रहा है। किंतु वह जानता है कि मुहांसे युवावस्था में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक चिन्ह होते हैं। मतलब कि जब भी कोई कोई लड़का बड़ी उम्र में आता है तो वहाँ पर जो चेहरे पे दाग वगैरह मुहांसे वगैरह आते हैं। चेंजेस इन समीर, समीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हिज वॉइस इज चेंज इन टू रफ, इट हैज़ नो स्वीटनेस एनी मोर। ही थिंक्स परहैप्स ही हैज कॉट कोल्ड, बट सच रूथलेसनेस ऑफ्टन गोज विद ए कॉमन कोल्ड। समीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो हैं, एक तो उसकी आवाज़ बड़े ही भद्दे रूप में परिवर्तित हो रही है। अब उसमें वो मिठास बिल्कुल नहीं रही। वो आप लोगों को पता ही है, जब एक लड़का बड़ी उम्र में आता है, एडल्ट टीनेजर में आता है, तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। वह सोचता है कि संभवतः ऐसा ठंड से ग्रसित होने के कारण हुआ है, किंतु इस प्रकार का भद्दापन सामान्य ठंड के साथ चला जाएगा। मतलब उसको लगता है चलो ठंड के कारण हो सकता है, जैसे ठंड चली जाएगी तो ठीक हो जाएगा। वट हीज पेरेंट्स थिंक, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। द कॉमन कोल्ड इज अनकॉमन फॉर हिज पेरेंट्स, ही विल कॉल फॉर ए डॉक्टर हु इज बाउंड टू पंप ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन इनटू हिज सिस्टम। हिज पेरेंट्स थिंक्स दैट ही इज अटैक्ड बाय ए डेंजरस कोल्ड विच मे किल हिम। उसके माता पिता क्या सोचते हैं, सामान्यतः ठंड उसके माता पिता के लिए असामान्य है, मतलब थोड़ी सी ठंड को भी बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं। वे एक डॉक्टर को बुलाएंगे जो कि अपनी समस्त दवाइयाँ उस पर उड़ेल देगा, मतलब उसको दवाइयाँ खिला देगा। उसके माता पिता अब सोचते हैं कि उस पर खतरनाक ठंड का जानलेवा प्रहार हुआ है, क्योंकि माता पिता को यह लगता है कि शायद उसको ठंड लगी, वो बच्चा ऐसा सोच रहा है, ठीक है ना। समीर फियर, समीर का डर। ही अंडरस्टैंड दैट हिज पेरेंट्स हैव देयर फियर, बट ही इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम हिज फियर। हिज फियर हंट्स हिज माइंड टू, बट ही डिसाइड दैट ओनली कवर्ड हैव फियर। ही इज नॉट कवर्ड, सो ही शुड नॉट फियर। वह इस बात को समझता है कि उसके माता पिता को एक अलग प्रकार का डर है कोई, किंतु वह भी डर मुक्त नहीं है, उसे भी कोई ना कोई डर है। डर उसके दिमाग को बार बार चोट पहुंचा रहा है, किंतु फिर वह फैसला लेता है कि जो कायर लोग होते हैं वो डरते हैं और वो कायर नहीं है, तो वह उसे नहीं डरना चाहिए। समीर्स प्राइवेसी, तो स्टोरी के अंदर एक समीर की प्राइवेसी दिखाई गई है, किस प्रकार वो अपनी चीज़ों की प्राइवेसी रखना चाहता है। तो वो कहता है कि एज ही इज़ ग्रोइंग अप, जैसे वो बड़ा हो रहा है, ही वॉन्ट टू मेंटेन हिज प्राइवेसी, वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहता है। कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट रखना चाहता है, नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स इंटरफेयर करें। ए ग्रोजर्स थिन कर्टेन इज ऑल्सो हैंग्ड ऑन द डोर, बट ही इज नो केयर ऑफ दिस कर्टेन। तो उसने उसके लिए क्या किया, अपने घर के बाहर दरवाजे पर एक पर्दा भी लगाया, जालीदार पर्दा, बट उसकी माँ इस पर्दे की कोई केयर नहीं करती, वो बिना परमिशन के अंदर आ जाती है। शी यूजली एंटर्स हिज रूम अनमाइंडफुल टू द सर्टेन कर्टेन ऑफ प्राइवेसी, बिना प्राइवेसी के ध्यान लगाए वो सीधा अंदर आ जाती है। बट समीर डजंट फील बेटर एट दिस एक्ट ऑफ हिज मदर। तो समीर को ये चीज़ अच्छी लगती कि उसने वो पर्दा लगाया था, थोड़ा सा वो कोई आवाज़ लगा ले, फिर उसकी माँ अंदर आए, तो माँ का ये एक्शन है बिना परमिशन अंदर आना, समीर को अच्छा नहीं लगता। अनहैप्पी समीर, समीर इस स्टोरी में एक बार रूठ जाता है, ना खुश हो जाता है, किस कारण होता है। ही वॉन्ट टू अटेंड पार्टी एट हिज फ्रेंड विशाल हाउस। एक बार वो चाहता है कि उसका विशाल एक फ्रेंड है, उसके घर पर एक पार्टी है, उस पार्टी को अटेंड करना चाहता है। ही ऑल्सो डिजायर टू स्टे आउट द हाउस टिल हिज फ्रेंड्स लीव द पार्टी। वो चाहता है कि पार्टी में जाएगा और तब तक वो वहाँ पर रहेगा जब तक उसके सारे दोस्त नहीं चले जाते। मतलब कि ये नहीं है कि चलो चले जाओ और एक घंटे में वापस आ जाना, 7 बजे तक वापस आ जाना, नहीं। वो कहता है कि जब तक मेरे फ्रेंड वहाँ पर रहेंगे मैं तब तक वहाँ रहूँगा। वट ही इज़ नॉट अलाउड बाई हिज मदर, हिज प्रपोजल इज डीम्ड एंड ही बिकेम इम्पिटेंट। तो ये उसका जो प्रपोजल था, माँ उसकी मना कर देती है और ये फिर वो रूठ जाता है। आगे द फाइनल डिसीजन, तो इस कहानी में जो फाइनल डिसीजन क्या निकलता है, आखिर में वो क्या फैसला लेते हैं। एट लास्ट समीर एंड हिज पेरेंट्स बिकेम रियल फ्रेंड। कहानी के एंड में फिर उसके समीर और उसके माता पिता एक रियल
फ्रेंड बन जाते हैं कि चलो हम दोस्त बनते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू दे वुड टेक दैट एडवाइस ऑफ वन अनदर, वो डिसीजन लेते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी सलाह देंगे एज ए फ्रेंड। समीर प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी हियर्ड, समीर की जो समस्याएं उनको सुना जाएगा। हिज पेरेंट्स सजेशंस वुड बी डोज एज कमिंग फ्रॉम द ट्रू फ्रेंड, जो भी उसके पेरेंट्स सलाह देंगे वो एज ए फ्रेंड देंगे, क्योंकि एज ए कोई उस पर वो ऑर्डर वगैरह नहीं चलेगा, एक सलाह के रूप में, एक अच्छी सलाह के रूप में उसको कुछ ना कुछ नई एडवाइसेस दी जाएंगी। हैंस दे ऑल हैव डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, और इस प्रकार अंत में सब ने यह निर्णय लिया कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों मेन इस कहानी के अंदर वही है कि समीर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्राइवेसी हैं, वो किशोर है तो कुछ प्रॉब्लम्स को आती है, पेरेंट्स के कुछ अलग थिंकिंग है और किशोर की कुछ अलग है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, किन किन बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस प्रकार समीर रूठ जाता है और कहानी के एंड में वो किस प्रकार एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये तो थी एक ओवरऑल समरी इस स्टोरी की। नेक्स्ट पार्ट जो लेके आऊँगा पार्ट टू, उसके अंदर जो चैप्टर आपका ये स्टोरी है मैं लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।